the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. so what is an ingrown nail ingrown nail ka kya matlab hai? to nail ho fingernail ho, ingrown nail hi jada. खतरनाक जानलेवा चीज नहीं है सिंपल सी चीज है समझने वाली बात है समझ लीजिए बड़े आ, बच्चों को भी हो जाता है बड़ों को हो जाता है बच्चों में बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं क्या हो रहा है बच्चों के साथ तो बेसिकली इट्स वेरी कॉमन इट्स पेनफुल और उसमें सूजन आ सकती है होता क्या है आ, कई बार ये ये देखा तो इतना कॉमनली है कि कई बार सर्जरी के लिए पेशेंट्स आते हैं इनग्रो नेल निकालने के लिए तो सर्जन के पास बहुत बार जाते हैं और उसमें कंप्लेन होती है कि भाई जूता बहुत टाइट हो रहा है और जूता टाइट हो रहा है ज्यादातर केसेस में सॉक्स टाइट हो रहे हैं या कई बार इसमें कई बार ये भी होता है कि नेल की ट्रिमिंग गलत हो रही है प्रॉपर से नहीं हो रही ज्यादातर केसेस में और हो क्या जा रहा है बेसिकली हो क्या जा रहा है कि यहां पर आपका जो नेल है वो सीधा निकलने की जगह सीधा निकलने की जगह वो ऐसा इन ग्रो हो रहा है सो इट बेसिकली ग्रोइंग इन साइड फ्रॉम आइदर वन कॉर्नर और द सेंटर ऑर दाइम इट ग्रोइंग इन साइड समटाइम्स समाइम्स यू माइट इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी ऑफ इन नेल्स आल्सो सो इनग्रो नेल्स इज नॉट ऑलवेज एक्वायर्ड इट्स कैन बी समाइम्स इनहेरिटेड uh, सो you know, so, अगर ऐसा कभी होता है इनग्रोन नेल तो क्या होगा ग्रोन इनग्रोन नेल uh, जहां पे भी आएगा वहां पर दर्द होगा वहां पर कभी-कभी इंजरी कभी हो सकती है चोट लग सकती है वहां पर इंफेक्शन हो सकता है वहां सूजन हो, सकती है, वहाँ पस बन सकता है, हो सकता है एंड यू माइट है and you might have to get operated. आपको सर्जन के पास जाना पड़ सकता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है छोटा सा निक दे या जो भी करके उसको निकालेंगे दैट्स द थिंग सो याद रखिए अगर इसको टाइम से ठीक कर लें तो बढ़िया है ओवर टाइम ये इंफेक्शन बढ़ भी सकता है इट कैन बिकम डेंजरस सो गेट इट 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 इन गेट 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 आउट एज एज पॉसिबल है है कुछ अगर आपको लगता है कि यार ये इनग्रोन जैसा लग रहा है बट इट नॉट सो डेंजरस राइट नाउ आई डोट सर्जन मुझे ऑपरेशन अभी नहीं कराना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना तो मैं क्या करूं ज्यादा जल्दी हो गया कोई बात नहीं फास्ट नहीं बोलते स्लो बोलते हैं लेकिन समझो समझो क्या नंबर वन टिप नंबर वन बच्चों को ये बताओ या बड़े ये समझे कि प्रॉपरली नेल को ट्रिम करना है स्ट्रेट लाइन में ट्रिम करना है बहुत छोटे नहीं ट्रिप करना है ट्रिम करना है अगर बार बार इनग्रो ने रहा है तो दिस इज दंबर वन टिप जो काम करेगी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज जूते फिटिंग वाले पहनिए जूते जूते शूज आपके फिटिंग वाले पहनिए प्रॉपर फिटिंग बहुत ही ज्यादा जो विथ उसकी इंपॉर्टेंट है ज्यादा विथ नॉट द लेंथ विथ विथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure के जो शूज की विथ है वो आपके पैर की विथ या बच्चा के पैर की विथ से मैच करे कि पैर ऐसा चपकना जाए उसमें विथ जरूरी है मैच करनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट या इट्स नॉट सिंपल इट्स इंपॉर्टेंट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है टिप है कि अगर चलो किसी को हो गया बड़े बूढ़े बच्चे बूढ़े नौजवान किसी को इनग्रोन नेल हो गया और पैर दर्द बहुत हो रहा है आपको दर्द कम करना है तो क्या करोगे उसको बच्चे को रूम टेम्परेचर वाले पानी में डुबा बच्चे को नहीं पैर को बड़े को भी पैर को या को रूम टेम्परेचर वाले पानी में डुबा दीजिए और उसके अंदर जेंटली मसाज करिए ऑन द साइड ऑफ द नेल जेंटली मसाज करिए ऑन द साइड ऑफ द नेल धीरे 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 पेन कम हो जाएगा हो सकता है, है. प्रॉपर वे टू तो ट्रीट दिस वुड बी अथ माइनर सर्जरी माइनर सर्जरी डॉक्टर के ऑफिस में छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें इनग्रो नेल को वहां से निकाल दिया जाता है खुद से खुद से निकालने की कोशिश ना करें यू विल डू मोर हार्म गुड ज्यादा दिक्कत ज्यादा नुकसान कर बैठोगे नेली उठा के निकाल सकते हो या इंफेक्शन घुसा सकते हो आपकी मर्जी है तो डोंट डू दैट खुद की बाथरूम सर्जरी बोलते हैं इसको जय हो खुद ही निकाल लेंगे इट एज अग यूज बहुत ज्यादा रिस्क है इंफेक्शन का रिमेंबर दैट इन्फेक्शन हो जाएगा फिर फालतू के टेंशन नहीं लेने का डॉक्टर के पास जाने का। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा इनग्रोन के एंटीबायोटिक दे देगा ठीक हो जाएगा घर भेज देंगे सिंपल सी चीज़ है 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 एक एडमिट एडमिट होने की जरूरत नहीं हॉस्पिटल तो अपने क्लिनिक में ही हो जाता राइट और उसके बाद छोटी सी दवाई खानी है थोड़े पांच दिन दस दिन एंड यू आर गुड मैक्सिमम फाइव तो कुछ ज्यादा नहीं सो दिस इज अबाउट इन ग्रो नेल क्यों होता है इट माइट बी बीरिटेटरी इट माइट बी बिकॉज ऑफ इल फिटिंग शूज इट माइट बी बिकॉज ऑफ ट्रिमिंग इट माइट बी बिकॉज ज्यादा खतरनाक तरीके से नेल को इरिटेट कर रहे हो डोंट डू दैट सो फाइंड आउट वॉट यू और योर योर चिल्ड्रन डूंगल हो रहा है very, very deal, right? जड़ी कुछ लगाने से कुछ नहीं होने वाला एनी वेयर वेक्नोलॉजी कुछ नहीं राइट थैंक यू सो मच दिस इज अबाउट मेक्सू आस्क एनी क्वेश्चन परमजीत And uh, we'll talk about something new next time.